नमस्कार, मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो आइए जानते हैं आज क्या है करंट अफेयर्स में खास। और एक खास बात, अगर आप करंट अफेयर्स का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे thefullvolume.com से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्न एक, EESL के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूर कर लिया है? ऑप्शन ए 10 करोड़ डॉलर, ऑप्शन बी 25 करोड़ डॉलर, ऑप्शन सी 35 करोड़ डॉलर, ऑप्शन डी 50 करोड़ डॉलर। सही जवाब है ऑप्शन बी 25 करोड़ डॉलर। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के लिए हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 25 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूर कर लिया है। यह ऋण कंपनी के लिए भारत में ऊर्जा दक्षता में निवेश को विस्तार देने के लिए दिया गया है। प्रश्न दो, नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल श्रेणी में 36 नर्स और मिडवाइफ्स को किसने राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी रामविलास पासवान, ऑप्शन डी अमित शाह। सही जवाब है ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल श्रेणी में 36 नर्स और मिडवाइफ्स को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय अवार्ड प्रदान किए हैं। इन सभी लोगों ने जीवन की परवाह किए बिना निपाह वायरस से ग्रस्त रोगियों का सेवा व उपचार किया है। प्रश्न तीन, भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नाम से एक साझा निवेश को शुरू करने के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी खेल मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड नाम से एक साझा निवेश को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन यूनिटों में निवेश करने वालों का पैसा सार्वजनिक उपक्रमों एवं सरकारी संगठनों के बॉन्ड में लगाया जाएगा। प्रश्न चार, राजस्थान की कचनार चौधरी ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिला शॉटपुट में कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रोंज मेडल, ऑप्शन डी गोल्ड और सिल्वर मेडल। सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रोंज मेडल। राजस्थान की कचनार चौधरी ने 13वें दक्षिण एशियाई खेल 2019 में महिला शॉटपुट में ब्रोंज मेडल जीता है। उन्होंने शॉटपुट स्पर्धा में 13.66 मीटर की दूरी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही कचनार चौधरी ने रांची में आयोजित हुई 59वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रश्न पाँच, भारत के खेल मंत्री रिजिजू ने किस खेल में भारतीय महिला और पुरुष वर्ग के गोल्ड मेडल जीतने पर हर खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी खो खो, ऑप्शन डी टेनिस। सही जवाब है ऑप्शन सी खो खो। भारत के खेल मंत्री रिजिजू ने खो खो में भारतीय महिला और पुरुष वर्ग के गोल्ड मेडल जीतने पर हर खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं भारत ने 13वें एशियाई खेलों में पहला स्थान हासिल किया हुआ है। प्रश्न छः, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए किसने 16 दिसंबर को NEFT से 24 घंटे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा दे दी है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन डी RBI। सही जवाब है ऑप्शन डी RBI। RBI ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 16 दिसंबर से NEFT से 24 घंटे फंड ट्रांसफर करने की सुविधा दे दी है। इससे पहले NEFT सुविधा सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक रहती थी। प्रश्न सात, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के मुताबिक किस देश में वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के बीच मलेरिया के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत में वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के बीच मलेरिया के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। WHO ने रिपोर्ट में कहा है कि मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित 11 देशों में भारत उन दो राष्ट्रों में शामिल था जहां पर मलेरिया के मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। प्रश्न आठ,
ब्रिटेन के जेसी डफ्टन किस देश के ओल्ड मैन ऑफ हाई पहाड़ी पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले ब्लाइंड क्लाइंबर बन गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन सी स्कॉटलैंड। ब्रिटेन के जेसी डफ्टन हाल ही में स्कॉटलैंड की ओल्ड मैन ऑफ हाई पहाड़ी पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले ब्लाइंड क्लाइंबर बन गए हैं। उन्होंने 450 फीट ऊंची पहाड़ी पर 7 घंटे में चढ़ाई पूरी की। प्रश्न 9। आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा जुटाने वाली कंपनी के मामले में किस कंपनी ने अलीबाबा को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी, ऑप्शन बी सऊदी अरामको, ऑप्शन सी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी सऊदी अरामको। आईपीओ से सबसे ज़्यादा पैसा जुटाने वाली कंपनी के मामले में सऊदी अरामको ने अलीबाबा को पीछे छोड़ दिया है। अलीबाबा ने अपने आईपीओ से 25 अरब डॉलर जुटाए थे, जबकि अरामको ने 25.6 अरब डॉलर की रकम जुटाई है। प्रश्न 10। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने किस बैंक के शेयर में 5% से अधिक की गिरावट होने पर उस बैंक की रेटिंग को नेगेटिव आउटलुक के साथ डाउनग्रेड कर दिया है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी ICICI बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी कैनरा बैंक। सही जवाब है ऑप्शन सी यस बैंक। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यस बैंक के शेयर में 5% से अधिक की गिरावट होने पर बैंक की रेटिंग्स को नेगेटिव आउटलुक के साथ डाउनग्रेड कर दिया है। अगर आप हमारे ये वीडियो FB पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें और ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम से।